डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा एपिसोड जो है 301वां एपिसोड है और जो तारीख है 24 मई 2019 है। ये चैनल्स हैं पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, आप इनको सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो वगैरह आपके लिए अपलोड करें तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले, आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। ये वीडियो रोज सुबह 4 बजे आपके लिए हमारे चैनल्स पर अपलोड कर दिया जाता है। यहाँ पर देखिए ये हमारी वेबसाइट्स हैं ssccjlpinnacle.com और baljeetdhaka.com। चलिए शुरुआत करते हैं प्रीवियस क्विज से। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सेलेस्टियल बॉडीज उपन्यास के लिए प्रतिष्ठित मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार किसने जीता है, उसे जोखा अल हार्थी ने जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको जरूर याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने रियल टाइम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए विद्यालयों में शिक्षकों पर निगरानी रखने के लिए एक योजना बनाई है, तो इसका उत्तर जो है आपने बिल्कुल सही दिया था, इसका उत्तर जो था वो गुजरात सरकार ने ऐसा किया है। पहला प्रश्न, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के अनुसार साल 2020 तक भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत होगी, ये आपसे पूछा गया है। और इसका आंसर कितना है, इसका आंसर जो है वो है 7.5%। ये जो OECD है इसके अनुसार भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो फिर से मजबूत होगी और 2020 तक ग्रामीण उपभोक्ताओं की वजह से और मुद्रास्फीति से प्रभावित होकर 7.5% तक ये पहुंच जाएगी, ये इसके बारे में जानकारी है। ये जो OECD है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका जो मुख्यालय है वो फ्रांस पेरिस में है, ठीक है, और इसके महासचिव हैं जोस अंगेल गुरिया ट्रेविआनो। और आपको मैं थोड़ी और इंफॉर्मेशन दे देती हूँ, हाल ही में भारत की GDP पर काफी सारी जानकारी आई है। 2019 से लेकर 2020 तक भारत की जो GDP वृद्धि दर है वो IMF के अनुसार जो है 7.3% होगी, RBI के अनुसार इसी पीरियड में ये जो है ये 7.2% होगी, विश्व बैंक जो वर्ल्ड बैंक है उसके अनुसार ये 7.5% होगी और एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार ये 7.2% होगी। ये था हमारा पहला प्रश्न, काफी कुछ आपको रिवाइज भी कराया। आगे, इसरो द्वारा किस पृथ्वी अवलोकन जासूसी उपग्रह को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से सफलतापूर्वक जो है वो लॉन्च किया गया है, ये आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2। आंसर है हमारा RESAT-2B, ये हमारा आंसर है, आंसर यहाँ पर बी होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक पृथ्वी अवलोकन जासूस उपग्रह जो है RESAT-2B का सफलतापूर्वक उन्होंने उसको लॉन्च किया है, जो दिन और रात के दौरान पृथ्वी की उच्च रेजोल्यूशन छवियों को ले सकता है। अगर आसमान बादलों से ढका हुआ है तो भी इसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा और जो भारत और पाकिस्तान की सीमा है जहां पर आतंकी शिविर हैं ये उन पर भी नजर रखेगा। ये थी हमारी जानकारी प्रश्न 2 के बारे में। और यहाँ पर आप इससे संबंधित तस्वीर देखिए, इसरो RESAT-2B सैटेलाइट लॉन्च। तीसरा प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय राज्य में दुर्लभ वेस्ट नाइल वायरस के कारण संक्रमण के मामले जो हैं वो सामने आए हैं। ये संक्रमण के जो मामले हैं ये केरल में सामने आए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर हमारा डी है। हाल ही में केरल में जो वहाँ पर मल्लपुरम और कोझिकोड जिले हैं वहाँ पर वेस्ट नाइल वायरस के कारण संक्रमण के जो मामले हैं वो सामने आए हैं, जिससे राज्य का जो स्वास्थ्य विभाग है उसको वेस्ट नाइल वायरस की पहचान करनी और पर करने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और ये आम तौर पर ये जो वायरस है ये अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमरीका और पश्चिम एशिया में पाया जाता है। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर हमारा डी है, डी जो है ये इसका राइट आंसर होगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ केरल कहाँ पर है। ये देखिए यहाँ पर आपको केरल जो है, आपको दूर दक्षिण में हमारा ये राज्य नजर आ रहा है केरल, राइट। अब केरल जो है
बहुत ही खुशहाल राज्य है भारत का। और यहाँ पर कैपिटल क्या है, कैपिटल यहाँ पर तिरुवनंतपुरम है, गवर्नर यहाँ पर पी सदाशिवम है, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है। लेजिस्लेचर में कितनी सीटें हैं, लेजिस्लेचर जो है उसमें टोटल सीट्स जो है वो है 141। चीफ मिनिस्टर यहाँ पर पिनरई विजयन है, लोकसभा में 20 सीटें हैं और राज्यसभा में जो सीटें हैं वो 9 हैं। अब अगर आप ऊपर की ओर देखते हैं, ऊपर की ओर आपको क्या नजर आता है कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन से हैं, अन्नामुड़ी शोला नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, माथी केटन शोला नेशनल पार्क, पामपुदम शोला नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क जो है वो यहां पर लोकेटेड है। अब केरल के बारे में एक रिवीजन क्वेश्चन आपको कराती हूं, जो मैंने पहले कवर किया है कि यहां पर मरयूर गुड़ जो है जो कि इदुकी में पाया जाता है, उसको हाल ही में जो भारत सरकार है उसने जीआई टैग दिया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है एशियाई व्यापार और सामाजिक मंच 2019, ठीक है, सामाजिक मंच 2019 में ग्लोबल एशियन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है। ये सम्मान दिया गया है हेमा दिवाकर को, हेमा दिवाकर को ये सम्मान दिया गया है। ये देखिए, ये इनकी तस्वीर है, डॉक्टर हेमा दिवाकर जो है इनको हाल ही में दुबई में ग्लोबल एशियन ऑफ द ईयर 2018 and 2019 पुरस्कार के लिए भारत में महिला स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी सेवाएं और योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। हेमा को इन सर्विस ऑफ द सोसाइटी एंड द नेशन श्रेणी के तहत एशियन बिजनेस एंड सोशल फोरम 2019 में पुरस्कार मिला है। इनकी तस्वीर थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ आपसे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2019 पर जो डैग हैमर्सजोल्ड मेडल है उससे किसे सम्मानित किया जाएगा। आपको ये बताना है कि किसको सम्मानित किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो है जितेंद्र कुमार। भारत के जो जितेंद्र कुमार हैं उनको मरणोपरांत, ओके, उनको मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों के जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस होगा उस पर डैग हैमर्सकोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। ये जो दिवस है ये 29th ऑफ मई को मनाया जाता है हर साल, और इन्होंने जो यूएन की पीस कीपिंग फोर्स है उसमें ये थे और इनको ये सम्मान जो है ये दिया जाएगा। मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ, ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनेशनल डे फॉर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स, और ये कब होता है, ये होता है 29th ऑफ मई को। अब आपको एक और जानकारी मैं देती हूँ कि ये जो पुलिस अधिकारी थे जितेंद्र कुमार, इन्होंने लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, जो कांगो है उनमें संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन में सेवा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। अब इन्फॉर्मेशन और थोड़ी सी आपको दे रहे हैं, हमने यहाँ पर वर्ल्ड बी डे के बारे में आपको बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल डे फॉर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर हुआ तो वर्ल्ड बी डे, ओके, वर्ल्ड बी डे क्या है, इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, विश्व मधुमक्खी दिवस। विश्व मधुमक्खी दिवस जो है ये हर साल 20 मई को मनाया जाता है, और जितनी भी मधुमक्खियाँ हैं, तितलियाँ हैं, चमगादड़ हैं, चिड़ियाँ हैं, उन सब के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है इस दिन, क्योंकि उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है परागणों को, वो पॉलिनेशन करने में उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये थी जानकारी इस प्रश्न के बारे में और थोड़ी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब आप आ जाइए अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस देश में विपक्षी दल ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। ऐसा हुआ है श्रीलंका में। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर हमारा डी है। श्रीलंका में एक विपक्षी दल ने ईस्टर संडे के हमलों को लेकर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। ये जो ईस्टर संडे था इसमें 250 लोगों की मृत्यु हुई थी जिसमें 45 विदेशी भी थे, और विपक्षी दल के अनुसार ईस्टर हमले के बारे में काफ़ी सारी जानकारी अवेलेबल थी, सरकार इसको रोक सकती थी लेकिन सरकार ने ज़्यादा कार्रवाई नहीं की। इस घटना को पूरा एक महीना पूरा हो चुका है, ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रियों के जो मंत्रिमंडल है
सब के पूरी की पूरी सरकार के खिलाफ यह प्रस्ताव पेश किया गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पर है श्रीलंका। अगर आप भारत के दक्षिण में देखें तो ये आपको यहाँ पर श्रीलंका नजर आएगा। राजधानी यहाँ पर श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे है। सबसे बड़ा शहर कोलंबो है। ऑफिशियल लैंग्वेज सिंगला और तमिल है। सरकार यहाँ पर यूनिटरी सेमी प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है। राष्ट्रपति हैं मैत्रीपाला सिरिसेना और प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रम सिंह है। श्रीलंकन रूपी यहाँ पर करेंसी है। यहाँ पर बात आई है सरकार की। अपने हाल के वीडियोस में मैंने ऑस्ट्रेलिया में नए प्रधानमंत्री बने हैं उनके बारे में आपको बताया था। आप मुझे नए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम कमेंट सेक्शन में लिखकर। अगला प्रश्न आपके सामने कि हाल ही में हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2019 में किसने टॉप किया है। ये प्रश्न है प्रश्न 7 और इसका उत्तर होगा अनीश कपूर। अनीश कपूर जो है उन्होंने टॉप किया है। अनीश कपूर जो हैं इनकी तस्वीर देखिए, ये देखिए अनीश कपूर हैं और ये एक 65 वर्षीय कलाकार हैं और जो हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट है 2019 की उसमें ये सबसे ऊपर हैं। पिछले एक साल में इनकी जो कलाकृतियां वगैरह हैं वो 168.25 करोड़ जो है उसकी कुल बिक्री हुई है। हुरून ने अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक का जो वर्ष है उसमें सार्वजनिक नीलामी में अपने कार्यों की बिक्री के आधार पर शीर्ष 50 भारतीय कलाकारों की सूची जारी की है और उसमें ये नंबर 1 पोजीशन पर है। अगला प्रश्न यहाँ पूछा गया है कि जापान के दूसरे सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार को के लिए किसको चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है ये और उसके लिए चुना गया है भारत के संजय सरन को। आंसर यहाँ पर हमारा ए होगा। तस्वीर देखिए संजय सरन जी की, ये तस्वीर है। ये पूर्व भारतीय विदेश सचिव रहे हैं श्याम सरन, ठीक है, और इनको जापान के दूसरे सबसे ऊंचे राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है जिसे द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार कहा जाता है। अब क्यों जापान इनको ये पुरस्कार दे रहा है, क्योंकि उन्होंने भारत और जापान के बीच में आपसी संबंध बढ़ाने के लिए काफी अच्छा योगदान दिया। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि जो किड्स राइट इंडेक्स 2019 है उसमें भारत का रैंक क्या है। ओके, ये जो किड्स राइट इंडेक्स है, पहले आपको इसके बारे में मैं जानकारी देती हूँ कि जो अलग अलग देश हैं वो बच्चों के लिए कितने अनुकूल हैं, बच्चों के लिए कितने फेवरेबल हैं, उन सब चीज़ों को देखा जाता है। जैसे देश जो हैं उनमें जीवन का अधिकार क्या है, शिक्षा का अधिकार क्या है, स्वास्थ्य का अधिकार क्या है, बाल अधिकारों के लिए संरक्षण का अधिकार, पर्यावरण को सक्षम बनाना, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। और इसमें टोटल मैं आपको बताऊं 181 देश जो हैं जिन्होंने भाग लिया और भारत की जो रैंक थी वो 117वीं थी। नंबर एक पोजीशन पर कौन था, नंबर एक पोजीशन पर जो आइसलैंड है एक कंट्री वो था नंबर 1 पोजीशन पर। जो किड्स राइट फाउंडेशन है वो व्यक्तिगत रिपोर्ट्स पर विचार करके यूनिसेफ से बहुत सारे रिपोर्ट्स लेकर, यूएनडीपी से, यूएन कमिटी से, इन सब से बहुत सारी रिपोर्ट्स वगैरह लेकर ये जो रिपोर्ट है किड्स राइट इंडेक्स ये तैयार की जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि हाल ही में नेपाल में आयोजित व्हीलचेयर क्रिकेट एशिया कप T20 जो है ये किसने जीता है। इसको जीता है पाकिस्तान ने। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर जो है यहाँ पर डी है, पाकिस्तान। आपको मैं बताऊं कि नेपाल के काठमांडू में व्हीलचेयर क्रिकेट के इतिहास का पहला एशिया कप जो है वो आयोजित हुआ और इसमें बांग्लादेश ने, पाकिस्तान ने, भारत ने और नेपाल ने, चार देशों ने इसमें भाग लिया और पर त्रिभुवन यूनिवर्सिटी स्टेडियम में व्हीलचेयर एशिया कप T20 के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को हराया। ये थी जानकारी प्रश्न 10 के बारे में। यहाँ देखिए ये हमारा पड़ोसी देश है नेपाल। आज हमने नेपाल के बारे में भी बात की, श्रीलंका के बारे में भी बात की। नेपाल की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है काठमांडू। यहाँ पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है नेपाली भाषा है। करेंसी यहाँ पर नेपलीज रूपी है। गवर्नमेंट फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है। प्रेजिडेंट है विद्या देवी भंडारी। यहाँ पर वाइस प्रेजिडेंट नंद किशोर पुन है और KP शर्मा ओली जो हैं वो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हैं। चलते हैं हम अगले समरी कीवर्ड्स पर। समरी कीवर्ड्स आ गए।
इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है साल 2020 तक ओईसीडी के अनुसार वो 7.5%, यूनाइटेड नेशंस के अनुसार वो जो 7.1%, इसरो ने स्पाई सैटेलाइट रिसैट 2 भी लॉन्च किया, वेस्ट नाइल वायरस के प्रमाण होने मिले हैं केरल में, ग्लोबल एशियन ऑफ द ईयर पुरस्कार जो मिला है वो मिला है हीमा दिवाकर को, डैग हैमरस्कोल्ड मेडल मिलेगा जितेंद्र कुमार को, नो कॉन्फिडेंस मोशन सारी सरकार के खिलाफ पारित किया गया श्रीलंका में, हुरोन इंडिया आर्टलिस्ट 2019 में अनीश कपूर सबसे ऊपर स्थान पर हैं, जापान ने इसका जो सेकंड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है वो श्याम सरन को मिलेगा, किड्स राइट इंडेक्स 2019 में भारत की जो रैंक है वो 117वीं है, और आइसलैंड जो है ठीक है आइसलैंड जो है वो नंबर वन पोजिशन पर था इस किड्स राइट इंडेक्स में। व्हीलचेयर क्रिकेट एशिया कप T20 में विनर जो है वो पाकिस्तान रहा। अब हम आ गए हैं क्विज फॉर द डे पर। इसमें आपसे पूछा गया है पहला प्रश्न, इसके उत्तर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देने हैं कि एशियाई व्यापार और सामाजिक मंच 2019 में ग्लोबल एशियन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है, पहला प्रश्न। और दूसरा है इसरो द्वारा किस पृथ्वी अवलोकन जासूसी उपग्रह को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर जो हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर दें। वीडियो के दौरान भी जो प्रश्न पूछे कमेंट सेक्शन में उनका आप उत्तर लिखेंगे। वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, जितना संभव हो सके वीडियो को शेयर करेंगे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ऑल द बेस्ट, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।